हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सब इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। यानी मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सिंपल है और साथ साथ में इसके कुछ बेनिफिट्स आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात, अनुलोम विलोम प्राणायाम काफी सारे रोगों को कंट्रोल कर लेता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कितने तरीके के रोगों को रिपेयर कर सकता है, और साथ साथ में आपको इसका मेंटली लेवल पे बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट देगा, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात क्या होती है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी आज, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम कि जो आपको बहुत हार्ड लगता है और आप ढंग से, मतलब नॉर्मल लोग जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं और ढंग से उसका अभ्यास भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ को मैं आज आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और आपको बहुत ही ईजी लगेगा। सबसे पहली बात, अनुलोम विलोम प्राणायाम में करने की पहले आपको टेक्निक बताऊंगी, उसके बाद इसके कुछ अच्छे आपको लाभ बताऊंगी कि इसके क्या क्या लाभ हैं हमारे लाइफ में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करती हूँ बताने की टेक्निक से। अनुलोम विलोम प्राणायाम, आप सबसे पहले अपने फिंगर से इस तरीके से मुद्रा बना लेंगे, देख लेंगे आपके मिडिल और इंडेक्स, इन दोनों फिंगर्स को आपको इस तरीके से अपने थंब के नीचे लगाना है, ठीक है। इन दोनों का कोई वर्क नहीं है, देख लेंगे इस तरीके से। आपका मेन वर्क आएगा आपके थंब और आपके रिंग फिंगर का, इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है। शुरुआत आपको हमेशा अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से करनी है, बिकॉज हमारा जो लेफ्ट नोस्ट्रल होता है वो बहुत एक्टिव होता है। तो आपको स्टार्टिंग क्या करनी है, अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से करनी है। और लेफ्ट नोस्ट्रल हमेशा गुणवत्ता का प्रतीक बताया गया है, शुद्धता का प्रतीक बताया गया, यानी हमारी नाड़ी को शुद्धि करता है। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी, पतंजलि योग सूत्र में इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम का भी नाम दिया गया है। तो देख लेंगे आप, आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से सबसे पहले श्वास को खींचते हुए आना है। लेफ्ट से श्वास को भरेंगे लंबा और गहरा। सबसे पहले आपको नॉर्मल टेक्निक के साथ करना है, कोई भी तरीके का वेरिएशन मैं आपको नहीं बता रही हूँ, सबसे पहले आपको नॉर्मल टेक्निक के साथ बताऊंगी। लेफ्ट से श्वास को भरेंगे लंबा और गहरा। अब यहीं से आपको राइट से बाहर छोड़ना है श्वास को। ध्यान रखेंगे आप राइट से ही श्वास को अंदर लेना है लंबा और गहरा। लॉक करते हुए लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे लंबा ही गहरा प्रश्वास। फिर श्वास को लेंगे लंबा और गहरा। अब यहीं से राइट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे प्रश्वास के साथ लंबे और गहरे। तो दोस्तों, देखा आपने, शुरुआत आपको अपने लेफ्ट से करना है और राइट से छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है। यानी जहां से आपने श्वास को छोड़ा है वहीं से दोबारा आपको श्वास को लेते हुए आना है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको नॉर्मल करना है। आप इसका अभ्यास 5 मिनट तक कर सकते हैं, और अगर बीच में आप थक जाते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। आप कहीं पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, आप बैठ कर कर सकते हैं, चेयर के ऊपर या बेड के ऊपर। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो नॉर्मली आप बैठ के कर सकते हैं, बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर या फिर अपने मैट के ऊपर, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगता है। कोई शांत वाली जगह पर बैठ के अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड के जितने भी प्रेशर्स हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यानी मेंटली स्ट्रेस जो लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, जिनमें बहुत चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, उनके लिए बहुत लाभकारी है। यानी मेंटली स्ट्रेस का कोई भी लेवल है, लाइक आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरीके के अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स आपको मतलब लगते हैं थोड़े बहुत भी, कि आप बात बात पे इरिटेट हो रहे हैं, तो आप इनका अभ्यास, इसका अभ्यास कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और इससे कई तरीके के रोग भी ठीक होते हैं। मतलब हर तरीके के रोग अगर हैं, जैसे आपके बैक में पेन है, नेक में पेन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब सुखासन की अवस्था में बैठते हैं तो हमारे जो बैक में और हमारे नेक में भी, मतलब अगर आप गर्दन कमर को सीधे करके बैठेंगे तो इसका बहुत अच्छा प्रेशर आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल से लेकर मेंटली स्ट्रेस तक, यानी दोनों लेवल को आगे ले जाने का काम करता है एक ही बराबरी में। तो ये था एक सिंपल मेथड अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अब मैं आपको सेकेंडरी लेवल का बताती हूँ, यानी थोड़ा सा आगे बढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर आपको फर्स्ट स्टेप समझ आ गया तो आप सेकेंड भी इजीली कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप किस तरीके से करना है मैं अब आपको वो बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, काउंटिंग के साथ करना है। यानी आपको लेफ्ट से श्वास लेना है लंबा और गहरा, यानी 10 की काउंटिंग, सेल्फ काउंटिंग करते हुए आना है। यानी मन में आपको काउंट करना है, बोलोगे तो फिर ब्रीथिंग का और उसका आपका कनेक्शन नहीं हो पाएगा, और वो नहीं हो पाएगा, वो मतलब इनकरेक्ट होगा काफ़ी। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से करना है, यानी 10 सेकेंड तक
तक आपको ब्रीथ इन लेना है और फिर उसके बाद ब्रीथ आउट करना है, 10 सेकंड तक बाहर निकालते हुए आना है। देख लेंगे, मैं आपको काउंटिंग के साथ बता रही हूँ, हालांकि मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज आपको सेल्फ काउंटिंग अपने मन में ही गिनना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट से सांस को खींचना है 10 काउंटिंग के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट को लॉक कर लेंगे। अब राइट से एक्सहेल करना है, यानी सांस को बाहर छोड़ना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहीं से इनहेलेशन करना है, यानी सांस को भरना है दोबारा से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहीं से आपको लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखा आपने मैंने किस तरीके से आपको इजी वे में बताया है, लेफ्ट से सांस को लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इन सारी चीज़ों के बीच में आपको 10-10 सेकंड का रखना है, आपको मतलब 10 सेकंड इनहेलेशन और 10 सेकंड एक्सहेलेशन, यानी आपको इनहेल और एक्सहेल 10-10 सेकंड के स्टेप में करना है। इससे क्या होगा, आपका ब्रीथिंग लेवल बढ़ेगा, एक्स्ट्रा बढ़ेगा, और साथ साथ में एक्सहेलेशन भी एक्स्ट्रा होगा, इनहेल और एक्सहेलेशन एकदम परफेक्ट जाएगा और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। इसलिए आप सेकेंडरी काउंटिंग के साथ करते हुए आएंगे, जब आपको हैबिट हो जाएगी थोड़ा बहुत फर्स्ट स्टेप की, फिर आप सेकेंड स्टेप में आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ पतंजलि योग सूत्र में इसको नाड़ी शोधन की भी परिभाषा दी गई है। नाड़ी शोधन में क्या होता है, पूरक, कुंभक और रेचक, इन तीन तरीके से बताया गया है, यानी पूरक श्वास को लेना होता है, कुंभक श्वास को होल्ड करना होता है, और रेचक यानी श्वास को बाहर छोड़ना होता है। अब इसमें क्या आता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम ये तब बन जाता है जब आप इसमें श्वास को होल्ड करते हैं, यानी कुंभक की सहायता से, यानी सबसे पहले आपको श्वास लेना है जिसे पूरक बोला जाता है। देख लेंगे, श्वास को खींचते हुए लेके जाएंगे अंदर, लंबा और गहरा, जितना आप खींच सकते हैं उतना आपको अंदर लेके जाना है। अब यहीं से दोनों नोस्टल को लॉक कर लेंगे, इस तरीके से चिन लॉक करते हुए आएंगे, ये चिन लॉक है। अब यहीं से आपने कुंभक लगाते हुए गर्दन को नीचे झुका लेना है और श्वास को रोक कर रखना है 10 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड, जितना भी आप कर सकते हैं उस हिसाब से आप श्वास को रोक लेंगे, और उसके बाद धीमी गति से श्वास को राइट नोस्टल से बाहर छोड़ देंगे। राइट से जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे फिर आपको राइट से श्वास लेनी है, फिर कुंभक लगाना है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि आप श्वास को आपको होल्ड करके रखना है और उसके बाद आपको श्वास को छोड़ना है। जितनी देर आप कोशिश कर सकते हैं उतनी देर आप कर सकते हैं, इन सभी तरीके का अभ्यास आप कर सकते हैं, यानी फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में आप इसको लेकर जा सकते हैं। मेन क्या है, आपको शुरुआत हमेशा फर्स्ट स्टेप से ही करनी है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप जब अभ्यास में आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना आपको उसका लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसके सिंपल से मैंने आपको लाभ बता दिए। ये फिजिकली लेवल में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देता है, मेंटली लेवल पर आपको बहुत लाभ देता है, और साथ साथ में हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में भी हेल्प करता है, यानी हमारे ब्लड के लेवल को भी बहुत अच्छा शुद्ध बनाता है, हमारे हाइपरटेंशन को मेंटेन करता है, साथ में हमारे हाई बीपी, लो बीपी, इन सबको मेंटेन करते हुए आता है, हमारे शुगर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, और साथ साथ में जिनको माइग्रेन है, सर दर्द की समस्या रहती है, सर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं छोटे मोटे, सबको शॉर्ट आउट करता है। तो दोस्तों आपको डेली इसका अभ्यास करना चाहिए, और हाँ सबसे अच्छी बात यह कि कोई किसी भी लेवल का, यानी किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति इस प्राणायाम को कर सकता है, जो आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे और हेल्दी अपडेट्स हमारे थ्रू मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।